रायगढ़ के ब्लॉक मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य सड़क जर्जर हो रही है। 7 साल से जर्जर हो रही सड़क स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, जिले के आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि भी इसी सड़क से गुजरते हैं, जिसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर लोगों की परेशानी से अनजान बने बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 7 साल पहले इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन 1 साल भी ये काम टिक नहीं सका और फिर से हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा जा सकता है। अड्डा है और आए जाए आदमी परेशानी होते, कभी भी हादसा हो सका थे। जब PWD वाला रिपेयरिंग बस का थे, बाकी वैसी बचत थे। आप मन आओ कोई ना सूचना देता, PWD तो जानते हैं, सामान जाना थे, विधायक आना जाना चाहता था, सांसद आना जाना चाहता था, मंत्री आते थे। जो गड्ढा है ऐसा ऐसा गड्ढा है, लोगों को भी जान जा सकता है, कभी भी अचानक हादसा हो सकता है। इस बीच में हमारी जो सरकार शासन और प्रशासन जो यहाँ का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये बलौदा बाजार स्तर का शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बड़ा भी हादसा। तस्वीरें भिलाईगढ़ की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 7 साल पहले ये सड़क बनी थी और ये सड़क अब जर्जर हो चुकी है। यहाँ से हर एक जना गुजरता है, बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, पर किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं। कई बार शिकायतें की गई इस सड़क को बनाने की, पर किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है, मरम्मत कराने की बातें की गई। आपको बता दें, सबसे अहम बात, महज 1 साल के अंदर ही ये सड़क खराब होने लगी थी। जैसे ही बनी थी, 7 साल पहले जैसे ही ये सड़क बनी थी और खराब होने लगी थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल, 7 साल बहुत लंबा समय होता है और लगातार शिकायतें करने के बाद भी अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मैम, ये गोविंदबंद से लगर से गोविंदबंद जाने और मुख्य मार्ग जिला मार्ग जाने वाली मुख्य मार्ग है, यहाँ पर ATM साहब और विधायक साहब आवागमन लगातार है। उसके बाद ही ये जर्जर 7 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था मुख्य मार्ग, और 1 ही साल में पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। उसके बाद ही आज तक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस बार संबंध अपने स्वराज सिंह ने कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है कि सिर्फ बहुत जल्द बन जाएगा, सिर्फ खाने पूर्ति कर दो, बहुत जल्द बन जाएगा, यही कहा जा रहा है। अखिल, अभी बारिश का समय निकला है, बारिश में भी लोगों को काफी परेशानियां होती होंगी, यहाँ से बच्चे स्कूल के लिए गुजरते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती होंगी, तब भी परेशानियां होती है, तब भी ध्यान नहीं दिया गया? जी बिल्कुल मैम, मैं बता दूँ कि वहाँ से लेकर आज तक, बरसात से लेकर अभी तक, अभी भी वहाँ पर पानी भरा हुआ है। उसके बाद भी अधिकारी वहीं से आवागमन रहते हैं, हर अधिकारी का, या जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक साहब को बात करूँ मैं, चाहे देवराज जी का, चाहे ATM सोरी की बात करूँ, वहीं से आवागमन, जिला मुख्यालय जाने के लिए मुख्य मार्ग वही है। उसके बाद उसी मार्ग पर जाने के बाद अभी तक उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे की आवागमन तो सिंपल सी बात है मैम, अधिकारी जनप्रतिनिधि कलेक्टर साहब भी आए हुए थे हफ्ता दिन पहले, कलेक्टर कार्तिक गोयल साहब बलौदागढ़ की, उसके बाद ही कलेक्टर साहब तक भी इस पर संज्ञान ले चुके हैं। अखिल, यहाँ पर 7 साल में कोई हादसा हुआ है, ऐसा कोई हादसा सामने आया है जिसको लेकर भी गुहार लगाई गई हो? जी बिल्कुल मैम, बोल रहा हूँ कि वहाँ पर 3 से 4 बार एक्सीडेंट के हादसा हो चुका है, और वहाँ पर कई बार बच्चे भी गिर चुके हैं, स्कूली बच्चे। उसके बाद भी जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, हम लोग स्वराज की टीम कई बार अवगत करा चुके, लेकिन आज तक उस पर किस प्रकार इन लोगों को ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ इन लोगों की तरफ से बनवाने के नाम से खाना पूर्ति किया जा रहा है। वाकई आप जैसे बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर 3 से 4 हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, लगातार शिकायतें करी जा रही हैं, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं पर वो भी ध्यान नहीं दे रहे, देखने के बाद भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, शायद कोई बड़ी अनहोनी का यहाँ पर शायद इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, ऐसी ही मानो तो ऐसी की घटना के जरा हम बता दें कि यहाँ का जो जिला प्रभारी मंत्री टी सिंहदेव जी वो भी आ चुके हैं उसी मार्ग से, अपना शिक्षा विभाग मंत्री इनाम साहब भी आ चुके हैं उसी मार्ग से, विधायक साहब का आवागमन हमेशा लगा रहता है, जन क्या बोलते हैं ATM साहब का आवागमन हमेशा रहता है। ये बता दें हम दशहरा पर अभी मंत्री जी आए हुए थे, उसके बाद उसी मार्ग से आते हैं सभी ना, और सभी उस जर्जर भवन की देखते हैं, लेकिन उन लोगों को मैम दस्तकार बैठे इसलिए उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइक और छोटी जो गाड़ी रहते हैं या बड़ी गाड़ी वो लोग उसकी फर्क पड़ता है, उसलिए उन लोगों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े अधिकारी आते हैं सिर्फ और देखते हैं। आप लगातार बने रही है हमारे साथ, विधायक चंद्रदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। हम भिलाईगढ़ की तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं,
सात साल से लगातार वहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ की सड़कें बनाई जाएं। एक साल भी वो सड़क नहीं देख पाई थी और लोग इससे परेशान हो रहे हैं और हादसे भी हो चुके हैं। ये आपके संज्ञान में है मामला सर? हेलो, राज्य सुन पा रहे हैं आप? एक बार प्रश्न और रिपीट करेंगे जी। बिलाईगढ़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं, रोड जर्जर हो चुकी है सात साल से। आवाज आपकी कट रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। राय जी, बिसनपुर वाली रोड हम तस्वीरें देख रहे हैं, वही खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर लगातार सात सालों से शिकायतें की जा रही हैं, पर यहाँ पर कुछ काम नहीं हो पा रहा। एक साल भी वो सड़क नहीं देख पाई और लगातार हादसे हो रहे हैं, क्यों ऐसा? देखिए, बिलाईगढ़ की सड़क तो आप पहले से ही आपको पता है, मोदी सरकार के समय पूरी खस्ता हाल रही है पूरी सड़कों की स्थिति, पर जब से नई सरकार बनी है 11 महीने हुई है सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, अभी हमने नवीन सड़कों के लिए हमने मांग पत्र भेजे हैं और एआर के लिए जहाँ जो सड़क रिपेयरिंग के लिए है उसके लिए भी हमने भेजे हैं शासन से प्रस्ताव और बहुत जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। जो सड़क की स्थिति गड्ढे हैं सारे गड्ढे पर रिपेयरिंग होगी और नई साल भर हो गया है। साल भर ये हमने विभाग को, लोक निर्माण विभाग को माननीय मंत्री, चलिए उम्मीद करते हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आगे ये